हेलो फ्रेंड्स, आज हम रेजिन से कैंडल होल्डर्स बनाएंगे। तो इसके लिए पहले ही मैंने रेजिन और हार्डनर को मिक्स करके रखा है। 2:1 रेशियो है, 2 पार्ट ऑफ रेजिन एंड 1 पार्ट ऑफ हार्डनर। तो अब मैं इसमें ये गोल्डन फ्लेक्स मिलाऊंगी। ये देखिए, इसमें बहुत सारा गोल्डन मिलाना है क्योंकि मैंने मुझे ये जो है ट्रांसपेरेंट और गोल्डन फ्लेक्स सिर्फ मिक्स करके ही बनाना है। तो इसको अच्छे से आप मिक्स कीजिएगा गोल्डन फ्लेक्स को। जब इसमें ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो हम उसमें ये जो कैम मोल्ड है उसमें पोर करेंगे। इसको इसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा, बहुत अच्छे से। ये थोड़ा जो स्पून में लग गया है उसको निकाल के और अच्छे से मिक्स कीजिए। अब देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें ये पोर कर दूंगी। थोड़ा सा धीरे धीरे कीजिएगा ताकि उसको अंदर जो है स्पेस मिले पूरा जाने का, नहीं तो कई बार जो है कॉर्नर से रह जाता है रेजिन, वहाँ तक कॉर्नर तक नहीं जा पाता और तो वहाँ से स्पेस रह जाता है। अच्छे से मिक्स करके ऊपर वाले को थोड़ा सा आप अंदर भी डाल सकते हैं, जैसे आपको अगर जितना ऊपर चाहिए आप उतना ऊपर ले सकते हैं उसको। ये थोड़ा सा कम पड़ रहा था तो मैंने इसे थोड़ा जो है प्लेन रेजिन डाल दिया है क्योंकि ऑलरेडी गोल्डन जो है वो डाला हुआ है उसमें। अभी देखिए, ऊपर कर दिया इसमें थोड़ा सा ताकि वो नीचे जो है गोल्डन फ्लेक्स दिखेंगे। अब इसको साइड में रख देंगे हम। अब नेक्स्ट दिए के लिए ये वाला जो है मोल्ड लिया है मैंने और इसमें मैं ये कुछ जो है फ्लावर अरेंजमेंट करूँगी। ये देखिए, इसमें ऐसे फ्लावर्स रख दीजिए। ये देखिए, ब्लू कलर के फ्लावर्स डालूंगी इधर मैं। आपके पास जो भी फ्लावर्स अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। आप इसमें रोज़ भी डाल सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स मिलते भी हैं, वो भी डाल सकते हैं। ये तो मैंने परचेज़ किए थे, बाकी मैंने खुद भी जो है वो ड्राई करके और मैं यूज़ करती हूँ फ्लावर्स को। अच्छे से अरेंज कर दीजिए, जैसे आपका मन चाहे वैसे अरेंज कीजिए। अब इसमें जो है इसको थोड़ा सा अंदर पुश कर दीजिए और इसके बाद हम इसमें जो है रेजिन और हार्डनर का मिक्स जो है वो डाल देंगे। और डालने के बाद थोड़ा सा जो फ्लावर्स हैं उनको अंदर पुश कर दीजिए। और अभी वो फिर क्योंकि लिक्विड जो है हल्का होता है तो ऊपर आ जाते हैं, वो आप थोड़ी देर बाद जो है जब थोड़ा सा सेट हो जाएगा रेजिन तो तब भी अंदर कर सकते हैं। अच्छे से ऊपर तक, बिल्कुल जो है ऊपर तक भर दीजिए और इसको पुश कर दीजिए। अब इसको साइड में रख दिया। अब ये तीसरे मोल्ड में मैं डालूंगी। मैं 3 तरह के बना रही हूँ और इसमें मैंने, मेरे पास आर्टिफिशियल जो है वो रोज़ पेटल्स थे, ये रियल वाले नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। तो कुछ मेरे पास रोज़ पेटल्स पड़े थे तो वो मैंने इसमें डाले हैं। और ये वाला जो कैंडल होल्डर है बहुत ही सुंदर बन के आया था, निकल के आया था, आप देखिएगा एंड में। ये देखिए, इसमें अच्छे से चारों तरफ जो हैं जो रोज़ पेटल्स हैं डाल दीजिए। अच्छे से उसको सिमेट्री से भर दीजिए हर कॉर्नर पे, हर जगह।
ताकि कहीं से अनसिमिट्री ना लगे और कहीं पर हो कहीं पर ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब जगह अच्छे से डाल दीजिए सारी तरफ। और अब वही वाला जो रेजिन है, क्लियर रेजिन जो है डाल देंगे। इसमें मैंने कुछ जो है वो गोल्डन फ्लेक्स भी ऐड किए हैं। बीच बीच में आपका जहाँ मन करे, साइड्स में, कुछ फ्लावर्स के बीच में, आप अपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकती हैं इसको। अब ये रेजिन जो है इसके ऊपर बिल्कुल ऊपर तक भर दीजिए। ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल ऊपर तक भर दीजिए, भर दिया है। और अब इसको साइड में रख दूंगी। ये देखिए 12 घंटे बाद जो है, 24 घंटे बाद सॉरी, नेक्स्ट डे जो है मैंने निकाला है, देखिए ये निकल के आए हैं। और मैं इसको जो है वो गोल्डन कलर से, इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको मैं गोल्डन, ये जो पेन होता है गोल्डन मार्कर है, इससे इसकी आउटलाइन कर रही हूँ। आप ये नीचे कर भी सकते हैं और इसको छोड़ भी सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे। मैंने ये पूरा का पूरा जो है गोल्डन मार्कर से इसको मार्क कर दिया है, अच्छे से आउटलाइन इसकी कर दी है। ये देखिए बहुत ही सुंदर निकल के आया है। देखिए कहीं कहीं नीचे गोल्डन फ्लेक्स आए हैं, साइड में आए हैं, बहुत ही सुंदर आया था निकल के। ये देखिए पूरा कलर होके कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं इसमें भी ऊपर जो है वो गोल्डन कर दूंगी। ये सिर्फ ऊपर ऊपर ही करूंगी इसमें मैं। गोल्डन मार्कर करने के बाद जो है थोड़ा सा एम्बॉज हो जाता है और थोड़ा उभर कर आता है। बाकी आपकी मर्जी है, आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए इसमें मैंने सिल्वर जो है, इसमें मैं सिल्वर करूंगी। ये देखिए आउटलाइन करने के बाद कितना सुंदर इसका आ रहा है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये देखिए ये तीनों दिए बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।